फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक इज फन। और आज हम बात करने वाले हैं फिजेट स्पिनर के बारे में। तो आप जानते होंगे कि फिजेट स्पिनर क्या होता है। अगर आप नहीं जानते फिजेट स्पिनर क्या होता है, तो फिजेट स्पिनर एक ऐसा टॉय या फिर एक ऐसा गैजेट है जो स्ट्रेस रिलीफ के काम में आता है, जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है और साथ ही साथ टाइम पास भी कर सकता है। तो फिजेट स्पिनर बेसिकली क्या होता है कि बीच में इसके होती है एक बेयरिंग, और बेयरिंग के साइड में कुछ वेट लगा होता है, जिससे ये जब सेंटर से पकड़ कर आपको घुमाया जाता है तो ये काफ़ी टाइम तक घूमता है। तो ये इसका घूमने का टाइम डिपेंड करता है कि किस तरह से इसका वेट आजू बाजू से मैनेज किया है या फिर कौन सा मटेरियल साइड में यूज़ किया है। लोग यहाँ पे तीन बेयरिंग साइड में और बीच में एक बेयरिंग यूज़ करते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग। तो आज हम बनाने वाले, जैसे मैंने ये वाला बनाया है, ये बेयरिंग बड़ी वाली है। तो जैसे इस बेयरिंग को साइड से मैनेज करने के लिए मैंने इसमें बड़े बड़े नट्स लगाए हैं, तो ताकि जो हैवी बेयरिंग है उसको हैवी वेट मिले आजू बाजू से, क्योंकि अगर आप उसमें हल्का वेट लगाएंगे तो ये काफ़ी घूमेगा नहीं। तो आज हम बनाने वाले हैं छोटे नट्स के साथ, छोटे बेयरिंग के साथ, जो इससे ज़्यादा स्पीड में घूमेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं हम सबसे इजी और सबसे चीप मेथड में अपना खुद का फिजेट स्पिनर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका फिजेट स्पिनर बनाने के लिए आपको चाहिए होगा ये इस तरह का बेयरिंग। तो ये बेयरिंग को हम स्केटबोर्ड बेयरिंग बोलते हैं, जो कि किसी भी स्पोर्ट्स शॉप में मिल जाएगा। और इस बेयरिंग के में जो यहाँ बीच साइड में होता है, यहाँ पर एक कवरिंग होती है जो आपको निकालनी पड़ेगी, ताकि इसमें का ग्रीस आप निकाल सके और इसमें ऑयल डालकर अच्छा इसको स्पीड दे सके, क्योंकि ग्रीस की वजह से ये काफ़ी स्लो घूमता है। तो आपको ये प्लेट निकालनी पड़ेगी, और प्लेट निकालने के बाद आपका जो बेयरिंग है वो कुछ इस तरह दिखेगा। आपको इसमें के छर्रे आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आपको इसमें से जो सारी ग्रीस है वो सारी ग्रीस पोंछ लेनी है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप मुझ जैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के बोल्ट्स की, जो कि छोटे साइज़ के हैं। और मतलब अकॉर्डिंगली आपके जो बेयरिंग है उसके हिसाब से आप छर जो अपना नट है ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ 6 ऐसे नट्स, जो कि लगभग सेम साइज़ के हैं। सेम साइज़ के रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको बस ये होना, इसके अलावा आपको चाहिए होगा सुपर ग्लू। तो बस ये तीन चीज़ें अगर आपके पास है तो आप बना सकेंगे आपका खुद का फिजेट स्पिनर। तो अब सबसे पहले हम बेयरिंग लेंगे। बेयरिंग को सबसे पहले आपको ऑयलिंग करनी है, या फिर आप चिपकाने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद आप लीजिए सुपर ग्लू, और याद रखिए कि आपको जो नट्स है इसको इस तरह से चिपकाना है कि जिसकी सिमेट्री हो वो एकदम परफेक्ट बने, ताकि जो वेट है वो बराबर से बटे और आपका स्पिनर जो है वो स्टेबली घूमे। तो आपको बस इसको चिपकाना है। तो मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर सुपर ग्लू, उसके बाद ये बोल्ट थोड़ी देर होल्ड करके रखूँगा। बस आपको होल्ड करके रखना है अच्छे से, थोड़ा सूखने देना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ये चिपक गया, और बिल्कुल इसी के सिमेट्री में आपको बिल्कुल इसी के अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट साइड में आपको दूसरे बोल्ट चिपकाने हैं। तो जैसे ये है, तो मैं अभी इसमें अपोजिट साइड में फिर से चिपकाऊंगा। तो फिर से हमको लेना है सुपर ग्लू और बोल्ट चिपका देना है। बस इस तरह से सिमेट्री बिल्कुल सेम होनी चाहिए दोनों साइड से, ताकि वेट बराबर मैनेज हो। तो हमारा ये सेकंड बोल्ट भी चिपक गया है। तो ये अभी भी बन गया है, लेकिन फिर भी हम एक एक बोल्ट और लगाएंगे इसको, ताकि इसमें थोड़ा और वेट ऐड हो जाए और थोड़ा और स्पीड में घूमे। फिर से मैं अप्लाई करूँगा इसमें सुपर ग्लू, उसके बाद इस पर ऐड करूँगा फिर से एक बोल्ट। ये हमने दूसरा एक बोल्ट ऐड कर लिया है, उसके बाद फिर से सुपर ग्लू लगाएंगे और फिर से एक बोल्ट ऐड करेंगे इसमें इस तरह से। थोड़ा सूखने देना है, मैं थोड़ा और ग्लू इसमें ऐड कर लेता हूँ, ताकि इसमें और स्ट्रेंथ बन जाए। आप इस पर बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, ताकि जो सुपर ग्लू है वो थोड़ा और स्ट्रांगली इसको हेल्ड करे। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको फिर कुछ और आइडियाज़ आए और आप अगर ये नट्स निकालना चाहे, तो उसके बाद क्या वो एक स्टेन वहाँ पे छोड़ देता है रफ सा, तो उससे आपके जो स्पिनर की है वो लुक थोड़ी ख़राब हो जाती है, अगर आप सेकंड टाइम कुछ और नया आइडिया से उसी बेयरिंग पे यूज़ करना चाहते हैं। तो लीजिए, ये बन गया हमारा फिजेट स्पिनर। तो अब देखते हैं कि एक स्पिन करता है या नहीं। देखिए काफ़ी अच्छी तरह स्पिन कर रहा है,
तो इस तरह से आप बना सकते हैं अपना होममेड फिजेट स्पिनर। जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो ये बन गया हमारा फिजेट स्पिनर। इसी तरह से आप अलग अलग तरह से इस बोल्ट को अलग अलग पैटर्न में ऐड कर कर आप अपना फिजेट स्पिनर बना सकते हैं। बोल्ट ही नहीं, आप इसमें नट्स यूज़ कर सकते हैं, बोल्ट यूज़ कर सकते हैं। लोगों तो मैंने अंडा यूज़ करते हुए देखा है फिजेट स्पिनर बनाने के लिए। तो आपकी आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप अपना फिजेट स्पिनर किस तरह से बना सकते हैं। तो ये था फिजेट स्पिनर जो कि सबसे सस्ते में बन गया, बस सुपर ग्लू कुछ नट्स। तो फ्रेंड्स, ये था होममेड फिजेट स्पिनर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे अलग अलग वीडियोस, अलग अलग टाइप के टेक गैजेट्स और अलग अलग चीज़ के DIY बताता रहूंगा। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़, और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर दोस्तों को दिखाना हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और हाँ, आप भी ट्राई कीजिए खुद का होममेड फिजेट स्पिनर अपने घर में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, दिस इज कुणाल, थैंक यू।